राहुल गांधी पै लोकसभा सचिवालयं अनर्हत वेस्तू तीसुकुन्न निर्णयंपै कांग्रेस अध्यक्षुडु मल्लिकार्जुन खर्गे स्पंदिंचारु. प्रश्निंचे गोंतुलनु केंद्रंलोनी भाजपा सर्कार नोक्कुतोंदनी मंडिपड्डारु. प्रजा समस्यलपै प्रभुत्व विधानालपै पार्लमेंटुलो गळमेत्ते राहुल गांधीनी सभ नुंचि वेळ्ळगोट्टारनी ध्वजमेत्तारु. పార్లమెంటులో ప్రతిపక్షాలను ప్రభుత్వం అణచివేస్తే ప్రజల్లోనే తేల్చుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఏ దేఖియే ఉన్కో సత్య బోల్నే కే లియే వో రాహుల్ జీ కో డిస్క్వాలిఫై కర్నే కే లియే సారే ప్రయాస్ కియే హై और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है. और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं. ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे. हमारी पूरी पार्टी तैयार है. अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, लड़ते रहे. आज 5, अरे सुनो तो एकदम तुम ही, हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है सभी सीनियर लीडर्स को वहाँ पर बुलाकर किस ढंग से किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना ये रणनीति हम तय करेंगे. रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें, तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे.